बाद में लिखो, उसको इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो। आप बेटे फरवरी 6 में आ गया, सोल्ड गुड्स, हमने 14,000 रुपए की गुड्स बेच भी दी जो हमने 13,000 की नीतू से खरीदी थी। इसका मतलब 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन बेटे मैं आपको बता चुका हूं कि गुड्स हम बेचते हैं तो सेल्स में लिखेंगे, हम गुड्स अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, हम पूरी सेल्स लिख लेंगे और साल के आखिरी में उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे परचेजेस लेस करके। तो बेटे हमें हर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटे मैं फरवरी 6 सेल सोल्ड गुड्स फॉर ₹14,000। अब बताइए जी यहाँ पे दो कौन से दो वर्ड्स हैं जो आपको लगता है बड़े प्रीशियस है? बेटे एक तो गुड्स, दूसरा है ही नहीं कुछ। बेटे मैंने बताया था कि अगर दूसरा कुछ भी नहीं है तो आप उसको कैश मान सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी को बेचा होता और उधार में बेचा होता तो उसका नाम भी एग्जामिनर हमें देता। लेकिन एग्जामिनर चला गया, वो चुपचाप कुछ कहना चाह रहा है। बेटे कुछ बातें तो समझी जाती हैं, बोली नहीं जाती, एहसास किया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एहसास करना हो तो 3 प्लग के अंदर आप उंगली डालें, आपको एहसास होगा कि हाँ यहाँ पे बिजली है। बेटे बोली थोड़ी जाती है, देखी नहीं जाती। ऐसे ही यहाँ पर उसने फरवरी 6 की ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं कहा। कोई टेंशन नहीं है, हम कोई डरने वाले हैं बेटे। सोल्ड गुड्स फॉर ₹14,000। आइए आइए जी, मैं भूपेश आनंद पहले इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो आ गया जी एसेट्स, बेटे इसी में गुड्स है, इसी में कैश है। तमेव माता च पिता तमेव, बेटे गुड्स है, गुड्स बेटे गुड्स को बेच रहे हैं। हाँ सर बेच रहे हैं, तो गुड्स का बैलेंस कम हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ सर घट जाएगा, तो घट जाएगा तो फिर इसका मतलब एसेट का तो डेबिट बैलेंस नेचर होता है। अगर कोई एसेट घट जाए तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और बेटे आपको मैंने कहा कि दूसरा हिडन है, दूसरी भूत भूतनी आइटम नहीं दी, तो मान लेंगे भूतनी है, मान लेंगे चुड़ैल है, कैश है। और बेटे कैश बढ़ रहा है, कैश तुम आ रहे हो, कैश कहता है हाँ मैं आ रहा हूं। बेटे कैश एसेट है, वस्तु है, तो जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे। एक बच्चे ने कहा सर ये बहुत बढ़िया है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपने बनाई लेकिन दोनों चीजें एसेट साइड में ही हो गई। मैंने कहा बेटे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लिखो। लिख लिया जी, वो थोड़ा सा मैं देख रहा था कुछ हल्का सा दिक्कत थी। ठीक है जी, क्या लिखा बेटे? कैश को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स की जगह हम सेल्स का वर्ड यूज करने वाले हैं। तो आइए जी हम अपने फॉर्मेट में आ जाएं और हम लिख डालें फरवरी 6 की ट्रांजेक्शन। आइए लिखें जी फरवरी 6। अब एक बच्चा ये लिख नहीं रहा जरा, वो चला गया, वो कह रहा है कि आपने मास्टर ने तो आंसर दे ही दिया। हाँ बेटे ठीक है, मत लिखो, आंसर तो दे दिया, आप खाली रहोगे बेटे, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इतना मैं बता दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और एक बच्चा कह रहा है किसको सेल किया, बेटे हमें क्या लेना है किसको सेल किया, हमारे घर पैसे आ रहे, काम खत्म। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, खत्म, ब्रैकेट क्लोज, और यहां वो डाल दो। और बेटे कितने की गुड्स हमने कैश में बेची, बेटे 14,000 का कैश आया और 14,000 की हमारी गुड्स कम हुई। इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए जी, फरवरी 6 तक की सभी ने एंट्रीज कर ली, आराम से देख लो। मैंने फरवरी 1 की बताई, फरवरी 2 की बताई और सबकी अकाउंटिंग इक्वेशन बताई, और फरवरी 6 की भी बता दी, फरवरी 6 की भी बता दी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आराम से करें। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। फरवरी 8 सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2000 एंड रिसीव्ड बाय चेक, हमने 2000 रुपए की गुड्स और बेच दी किसी को, और हमने वो कैश में ही बेच दी। कैश का मतलब है बैंक के थ्रू बेच दी और उससे चेक ले लिया। बेटे चेक देखा कभी, चेक का हम क्या दीवार में लगाते हैं या बैंक में जाके जमा कराते हैं? बेटे बैंक में जाके जमा कराते हैं। तो देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2000, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2000 एंड रिसीव्ड बाय चेक, और हमने उसको चेक से रिसीव कर लिया। तो आइए आइए जी, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा समझाऊं कि इस ट्रांजैक्शन का एक्चुअली में क्या बेनिफिट है। सोल्ड गुड्स आपने बेची, तो आइए सर, जब आप बेचेंगे, तो बेटे गुड्स का बैलेंस कम होगा। बिल्कुल सही बात है सर, कम होगा। अगर गुड्स का बैलेंस कम होगा तो हम गुड्स को क्रेडिट करेंगे, जैसे भाग मिलकर भाग में था, हवन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हवन करेंगे। बेटे उसी तरह से गुड्स को क्रेडिट करेंगे। और बेटे दूसरी चीज, पैसे तो आ ही नहीं रहे, बेटे चेक आ रहा है, हम चेक अपने फेडरल बैंक में जाकर, अब एक बच्चा ढूंढ रहा फेडरल बैंक है कहाँ, वो बेटा मैंने सोचा है कि बैंक में आपने अकाउंट खोला तो वो फेडरल में खोला, फेडरल बैंक में जाकर उसको जमा कराएंगे और हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, हवन करेंगे। तो आइए हम एंट्री लिख दें मेरे बेटे फरवरी की। बेटे लास्ट एंट्री देख लीजिए, तारीख कौन सी है, 8 तारीख है बेटे, 8 तारीख है। तो मैं लिख रहा हूं फरवरी 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स, नहीं लिखेंगे जबकि गुड्स ही जा रही है, हम उसकी जगह सेल्स का नाम लिखेंगे। और बेटे हमने सेल्स लिख दिया, और कितने की है बेटे, 2000 रुपए की, और लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। आराम से बेटा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने गुच्छड़ मुच्छड़ कर दिया उसी में। आप एक बार पहले यहां तक लिख लें, मैंने फरवरी 8 तक की सारी ट्रांजैक्शंस कर दी, और मैं बहुत आराम से प्यार से कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी आपने देखी मेरे चेहरे में देखी,
बड़ा शांत स्वभाव से कर रहा हूँ, पेशेंटली कर रहा हूँ कि आपको एक एक बात अलग अलग पहलू से बताऊं। बेटे यहाँ तक कि मैंने अभी आपके लिए गूगल से भी कुछ सामान देखा है जो आपको दिखाना है। बेटे मैं इस समय ऑनलाइन हूँ, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज इन अकाउंटिंग बाय कंसेप्ट एंड नॉट बाय रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, द जर्नल इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इन जनरल वी रिकॉर्ड डे बाय डे ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू एन ओनर ऑफ द बिजनेस, एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट। बेटे पांच तत्व मॉडर्न अप्रोच में है, अगर आप इन पांच तत्वों को देख लें, क्या क्या, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम। और बेटे एक्सपेंसेस और इनकम भी कैपिटल में जाते हैं। पांच पांडव थे बेटे कुंती माता के पुत्र, अगर आप इन पांच तत्वों को देख लें तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, अमेरिकन अप्रोच, ट्रंप का मेथड आपको समझ आ जाएगा जो मैं समझा ही रहा हूं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए जी, हम आ गए 11 तारीख, हमने मशीनरी खरीदी। बेटे बेटे 11 तारीख आ गए, बेटे बेटे 11 आ गए, बेटे 11 सर 11 हाँ बेटे बेटे 11 में आ चुके, हमने मशीनरी खरीदी 6000 रुपए की। और मैंने आपको बताया था कि आप जो भी कुछ खरीदते हो वो थिंग्स होती है, और उन थिंग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक गुड्स इन द नेचर ऑफ गुड्स एंड एक नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स। जो नेचर ऑफ गुड्स होती हैं बेटे वो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी थिंग्स होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम या बेचने के लिए खरीदते हैं या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदते हैं, फिर हम उसको मैन्युफैक्चर में लगाएंगे फिर बेचेंगे। जैसे मारुति सुजुकी ने बैटरीज खरीदी एक्साइड वालों से, या तो मारुति डायरेक्टली बेच सकती है या मारुति अपनी गाड़ियों में एक्साइड बैटरी लगा सकती है और फिर बेच सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे इसको बोलते हैं गुड्स इन नेचर। तो ऐसी चीजें जब खरीदी जाए तो या तो परचेजेस में लिखते हैं और जब बेची जाए तो सेल्स में लिखते हैं। लेकिन बेटे कुछ ऐसी थिंग्स होती है, ऐसी वस्तुएं होती है जो मैंने लेक्चर 4 में या 5 में डिटेल में बताया कि जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। जैसे मशीनरी, मेरा काम है किराने का, तो मैं मशीनरी बेचने के लिए थोड़ी खरीदूंगा, अपने ऑफिस में रखने के लिए खरीदूंगा। आप खुद सोचिए, मैं फर्नीचर ले रहा हूं, ऑफिस इक्विपमेंट ले रहा हूं, बेटे ये मैं अपने दुकान में एसेट में यूज करने के लिए ले रहा हूं, उनको बेचने के लिए नहीं ले रहा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, परचेज मशीनरी 6000 एंड पेड इन कैश। तो मैं पहले इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना दूं, चलिए जी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। बेटे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स जो हैं, बेटे एसेट्स में मैं लिख रहा हूं मैंने क्या परचेज किया था बेटे, मशीनरी, मशीनरी बेटे मशीन एसेट है, और ऐसी एसेट्स है, ऐसी थिंग्स है, ऐसे गुड्स है which are not purchased for sale purpose. तो purchase machinery for cash. बेटे इसमें दो elements, दो words बड़े precious हैं, एक machinery और एक cash. बेटे machinery भी asset ही है और cash भी asset ही है, लेकिन machinery बढ़ रही है और cash कम हो रहा है, क्योंकि जब आप machinery खरीदेंगे तो कुछ भी free में थोड़ी मिलने वाला है, बेटे कम हो रहा है। अब आप ये बताइए, जब मशीनरी बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा, मशीनरी को मैं डेबिट करूंगा। और बेटे आपको पता है जो गुड्स नॉट फॉर सेल पर्पस के होते हैं मैं उनका नाम ही लिखता हूं, और जो गुड्स
सेल पर्पस के लिए होते हैं, मैं या तो परचेजेस लिखूंगा या सेल्स लिखूंगा, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में मुझको मशीनरी अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, तो मैं मशीनरी अकाउंट को डेबिट करूंगा, इससे मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि कैश क्रेडिट हुआ। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं बेटे, कैश क्रेडिट क्यों हुआ इसको जानना है। कैश एसेट है, कैश का बैलेंस कम होगा क्योंकि कैश जाएगा, तब जब कम होगा और एसेट्स का डेबिट नेचर होता है इसलिए मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। बेटे बिल्कुल लॉजिक समझ के चलना है। आप चाहें तो ये टेबल भी बना सकते हैं छोटा सा, जो भी दो आपने वर्ड्स देखे, जो वर्ड्स एलिमेंट्स मशीनरी और बेटे कैश देगा, फिर आप देख सकते हैं मशीनरी बढ़ रही है कैश कम हो रहा है, इसलिए मशीनरी को डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। तो हमारे जी उसी मेन फॉर्मेट में, अपने ही फॉर्मेट में, और यहां पर आ गए हम, आ गए फरवरी 11 में आ चुके हैं। बिल्कुल आराम से बैठे, बुक जिनके पास नहीं है मैं बार बार स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि आपको इससे पता चल जाए, इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। वैसे हमने अपनी वेबसाइट में सब अपलोड भी कर दिया, ठीक है जी। परचेज मशीनरी तो मैं लिख रहा हूं फरवरी 11। आओ जी सभी बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ, फरवरी 11 मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश चला गया, तो बेटे हट के लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे, टू पे लिखेंगे, टू कैश, बेटे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की मशीनरी है बेटे, कितने की मशीनरी है, 6000। लो जी बी परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश, बेटे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और नीचे डंडी मार दी। मैं 11 फरवरी तक आ भी चुका हूं और बड़े प्यार से मोहब्बत से आपको करा रहा हूं। आप चाहे तो फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं ना बेटे, मैंने खुद फॉरवर्ड भी हुआ, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं तो प्यार से ही कराऊंगा। फरवरी 15 गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1500 रुपए। हे राम, हमने जो गुड्स बेची थी कौन सी बेची थी बेटे, दो बार बेच चुके हैं, एक हम बेच चुके हैं फरवरी 6 और एक बार बेच चुके हैं फरवरी 8, और दोनों बार हमने एक बार तो कैश ले लिया था, एक बार चेक ले लिया था, मतलब पैसे देकर हमने गुड्स बेची, हमने उधार में नहीं बेची थी, हमने पैसे लेकर गुड्स बेची थी। लेकिन जिसको गुड्स बेची थी बेटे वो रोता हुआ आ गया फरवरी 15 को और रोते रोते कह रहा है, ए शाहरुख तेरा सामान कुछ खराब है, शाहरुख ये ले तू सामान ले ले, मुझे मेरे पैसे दे दे, बाकी गुड्स तो मैंने बेच दी, जो खराब वाली थी मैं ले आया, मैंने तुझे पैसे दे दिए, शाहरुख प्लीज मुझे पैसे वापस कर दे। बेटे देखो कितने कह रहा है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹1500। 1500 रुपए की गुड्स वापस हो गई, वो लेकर आ गया, रोते लग गया और कह रहा है मुझे दे दे। शाहरुख खान ने कहा अच्छा ले जा, दे दिए। इसका मतलब गुड्स आई कौन सी, जो मैंने पहले सेल की थी, गुड्स खरीदी नहीं, गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन किस वजह से बढ़ रहा है बेटे सेल्स जो की थी उसमें से रिटर्न हुई, तो सेल्स रिटर्न की वजह से बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, मैंने पैसे दे दिए तो कैश का बैलेंस कम हो रहा है, मेरी बात आप समझ लीजिए। आई अकाउंटिंग रिलेशन बनाए, कोई जल्दी नहीं करनी हमने बात को ध्यान से समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें, मैं इसके सामने दोबारा से आपके नाम में लिख रहा हूं, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 1500, ठीक है जी। तो मैं लिख भी देता हूं, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, ठीक है जी, 1500। आइए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट वाली हम अपनी इक्वेशन में आ गए। एसेट्स में गुड्स हैं और दूसरा है
कैश, दो वर्ड्स बड़े प्रीशियस हैं इस पूरे क्वेश्चन में, ये हम देख ही रहे हैं। गुड्स आ रही है, गुड्स आ क्यों रही है, क्योंकि मैंने पहले सेल्स की थी, उसमें से रिटर्न हो गई, तो सेल्स रिटर्न एक वजह है, वजह हाँ कारण समझ लीजिए, एक रीजन समझ लीजिए, आप रीजन समझ लीजिए, यही तो एक ऐसी रीजन है जिसकी वजह से मेरे पास गुड्स आई, मुझे कारण लिखना है। और पैसे चले गए, पैसे चले गए, हाँ बेटे 1500 रुपए और रो रहा था तो क्या करते, पैसे देते नहीं उसको, एक तो सामान हमने गलत बेचा, उसको बेचारे के पल्ले पड़ गया, वो हमें वापस करने आया तो पैसे वापस नहीं करेंगे, हम कुछ चोर उचक्के हैं, तो बेटे हम एंट्री पास करेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि जो गुड्स आई उसका रीजन लिखेंगे, कैश गया तो टू कैश, आप इसको उस टेबल में लिखना चाहें तो बेटे लिख सकते हैं, अब तो सारी बातें आपको समझ आ चुकी, सेल्स रिटर्न कैश, सेल्स रिटर्न जो है बेटे आप देखो गुड्स बढ़ रही है, एक्चुअली में इसके अंदर आप गुड्स ही देखो, ये गुड्स का कारण है सेल्स रिटर्न, गुड्स का कारण है सेल्स रिटर्न, कैश कम हो रहा है बेटे, डेबिट करेंगे हवन करेंगे क्रेडिट करेंगे। आइए हम एंट्री लिख दे, आइए मेरे बेटे आओ। ये कहाँ लिख दी बेटे मैंने एंट्री, आओ कोई बात नहीं बेटे, फरवरी 15 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटे मैंने गुड्स ली, कैश दिया 1500 लिखे जी, बीन कैश पेड फॉर सेल्स रिटर्न, आराम से ब्रैकेट क्लोज और नीचे लाइन डाल दें, ब्रैकेट क्लोज और नीचे लाइन डाल दें, मैंने आपके सामने लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कैश पेड फॉर सेल्स रिटर्न 1500, आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं, मैं दूर हो गया। फरवरी 15 के बाद आ गए जी, शाहरुख खान विड्रॉन ₹3000 फॉर प्राइवेट यूज, बेटे आपको पता है शाहरुख खान की बीवी का नाम क्या है, बेटे शाहरुख खान की बीवी का नाम आपको मालूम है, मुझे पता है दोनों दिल्ली के हैं बेटे, आप ये बताइए शाहरुख खान की बीवी का नाम है गोरी, गोरी, अब गोरी को पैसों की जरूरत थी, उसने कहा शाहरुख, ए शाहरुख 3000 रुपए लाना, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, तो शाहरुख के पास तो थे नहीं, तो शाहरुख ने दुकान से ऑफिस से बिजनेस से 3000 रुपए लिए और गोरी के हाथ में दिए, अब बेटे शाहरुख खान ने कैश लिया, कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, लेकिन ये किस वजह से लिया, तो शाहरुख खान को क्रेडिट करना, शाहरुख खान ने लिया बेटे, लेकिन इसके रीजन क्या है, ड्रॉइंग्स बेटे, उसका कैपिटल बैलेंस कम हो गया, शाहरुख खान का कैपिटल बैलेंस कम होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस और नेचर होता है, तो हम डेबिट करेंगे कैपिटल को, लेकिन हम कैपिटल की जगह वर्ड यूज करेंगे ड्रॉइंग्स, तो बेटे आपको पता ना टेक्निकल नाम क्या है, तो मैं दोबारा से इसको एक बार लिख देता हूं ताकि और समझ आ जाए बच्चों को, मेरे बच्चों को समझ आए, शाहरुख खान ने पैसे विड्रॉ किए 3000 रुपए फॉर हिज पर्सनल यूज, तो बेटे कैश कम हो गया, कैश तो कम हो गया, अब आप ये बताइए जब कैश कम हो गया तो उसकी कैपिटल भी कम हो गई,
जब हम कह रहे हैं जी उसकी कैपिटल कम होगी तो ये किस वजह से कम हुई? ड्राइंग्स की वजह से। तो मैं अब एंट्री लिखने जा रहा हूं, ड्राइंग्स ड्राइंग्स कौन सी तारीख की है जी? यह फरवरी 19 लिखो जी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट फरवरी 19, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपये बेटे। तो मैं लिख रहा हूं बीइंग कैश विदड्रॉन, बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटे हमने कैश को विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, आराम से ये देख लो जी, मैं कोई टेंशन में जल्दी में नहीं हूं, आराम से आप देखिए मैं कितने प्यार प्यार से आपको इंटरेस्ट करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी मेरे चेहरे में भी दिखने नहीं। 19 के बाद आ गया जी रिटर्न गुड्स टू नीतू। बेटे नीतू से यहां पर सामान खरीदा था आपने उधार में, देखो अभी तक बेचारी को पैसे तक नहीं दिया आपने, ये देख लो, ये देखो 13,000 रुपए का फरवरी 2 को सामान खरीदा था और 21 फरवरी हो गई, बजाय पैसे देने के आपने कहा सामान ही ले ले। रिटर्न गुड्स टू नीतू, गुड्स जा रही हैं, गुड्स कम हो रही हैं, गुड्स आपका बैलेंस कम हो रहा है, गुड्स एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है इसलिए गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे परचेज रिटर्न, उसकी वजह लिखेंगे, समझ आ रही है? तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। अब हमने नीतू को पैसे देने थे क्योंकि हमने उसको क्रेडिटर बनाया था, हम उसके कर्जदार थे, तो जो हमारा कर्ज था बेटे हमने 13,000 रुपए देने थे उसको, आप देख लो तो 3200 रुपए का तो सामान ही हमने वापस कर दिया उसको। तो बेटे हमारी कर्ज हमारी उधारी 3200 से कम हो जाएगी नहीं होगी, और जब कम होगी तो बेटे बेटे कैपिटल और लायबिलिटीज का क्रेडिट नेचर होता है, और जब क्रेडिट होता है तो कम होगी तो डेबिट करेंगे। तो आइए मैं लिख देता हूं, आइए जी मैं लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं जी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एक तो बेटे गुड्स एसेट है और दूसरा यहां पर मेरी नीतू सिंह आ रही थी पहले से ही, वो आ रही थी 13,000 रुपए से पहले से ही आ रही थी बेटे फरवरी 2 के जो ट्रांजेक्शन, तो मैंने गुड्स को दे दिया वापिस। जब मैंने गुड्स को वापिस दे दिया तो मेरा गुड्स का बैलेंस कम हो गया, मेरा गुड्स का बैलेंस कम हो गया, इसलिए मुझे किसको क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है तो मैं गुड्स का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न, क्योंकि उसका कारण क्या है मुझे वो कारण लिखना है। उसके साथ साथ मैंने जो 13,000 रुपए फरवरी 2 के बेसिस पे देने थे मुझे, अब वो बैलेंस कम करना है क्योंकि मैंने 3200 रुपए का तो सामान उसको दे ही दिया, तो मैं अपनी लायबिलिटी 3200 से कम कर दूंगा। जब लायबिलिटी को कम करेंगे तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं नीतू सिंह को डेबिट कर दूंगा, नीतू सिंह को डेबिट कर दूंगा। तो बेटे एंट्री देखिए क्या बनेगी, मेरी एंट्री होगी नीतू टू परचेज रिटर्न। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, आंसर दिए हुए मुझे पता है, आप में से कुछ बच्चे ज्यादा समझदार हैं नहीं लिख रहे मुझे वो भी पता है, लेकिन मेरा धर्म है कराना, मैं पूरा ही कराऊंगा। नीतू सिंह टू परचेज रिटर्न, आओ जी आओ आओ, नीतू सिंह टू परचेज रिटर्न में आ जाओ, मैं एंट्री पूरी लिखूंगा। वो बेटे कौन सी तारीख में हमने नीतू को वापस किया? 21 तारीख लिखो जी फरवरी 21 नीतू सिंह डेबिट। अब आपको समझ आ रहा है क्यों डेबिट कर रहे हैं? टू हटके
हटके हटके हटके टू परचेज रिटर्न। नीतू सिंह अकाउंट डेबिट, नीतू सिंह अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने का बेटे, कितने की गुड्स वापस की आपने, कितने की गुड्स वापस की, कितने की गुड्स वापस की, 3200 रुपए की बेटे। तो लिखें जी 3200 रुपए, और यहां लिखें बीन गुड्स रिटर्न टू नीतू, आराम से। और बेटे लाइन डाल दी बेटे, 3-4 ट्रांजेक्शन रह गई, इतनी हिम्मत से आपने 21 फरवरी तक लिखा है बेटे। लॉजिक्स बता रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ना करने को, तो मैं स्टार्टिंग में कर बैठा था, ये आंसर ही मैं करता ही नहीं। लेकिन बेटे आप देखो मेरे पीछे भावना क्या है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आओ जी फरवरी 21 के बाद मैं आ गया जी 25 फरवरी वेजेस पेड। बड़े सिंपल है जी, वेजेस को पे किया, मजदूरी पे की मैंने, एक्चुअली में कैश दिया तो कैश कम हुआ और इससे कोई एसेट तो बना नहीं, मेरा 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 कैपिटल कम होगा। लेकिन बेटे कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे हम, उसका रीजन लिखेंगे। तो मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बेटे 1000 रुपए। बीइंग वेजेस पेड इन कैश, पर्दा लगाओ, सेंटेंस कंप्लीट करो। आसान था इसलिए जल्दी चला। नेक्स्ट है बेटे कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। आपने कमीशन रिसीव की, आपने कमीशन रिसीव की, इसका मतलब आप दलाल का काम भी करते हैं। आपने दलाली ली बेटे, एक्चुअली में दलाली नहीं ली, कैश लिया, तो 2000 रुपए कैश लिया। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट नेचर होता है, कैश से एसेट बढ़ रहा है तो मैं कैश को डेबिट करूंगा। कमीशन इनकम है, इनकम से कैपिटल बढ़ती है तो मैं कैपिटल को क्रेडिट करूंगा क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है। लेकिन मैं कैपिटल का नाम नहीं लिखूंगा, कैपिटल जिस वजह से बढ़ रही है वो कारण लिखूंगा, और वो कारण क्या है, कमीशन। आइए आइए मेहरबान, मैं एंट्री पे आ गया, मैंने लिखा बैंक अकाउंट, या कैश लिखे तो ज्यादा अच्छा है, कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे आए ना बेटे, वहां लिखा नहीं है बैंक चेक थोड़ी लिखा है, मैंने गलती से लिख दिया चेक, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अभी एक बच्चा कहता सर आपको कहते हैं टू हटके लिखना, आपने साथ में लिख दिया। बेटे मुझे बताओ गलती हो गई, ये लो मैं इसको रबी कर देता हूं यार, आप नाराज रहो बस। टू कमीशन, नरेशन लिखिए बीन कमीशन रिसीव्ड, बीन कमीशन रिसीव्ड, बेटे बीन कमीशन रिसीव्ड, ये लो जी कितने की मिली कमीशन, आज बता दो 2000 रुपए। बेटे लॉजिक्स के साथ बताया जा रहा सब कुछ आपको, आराम से नोट कर लो जी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो पैसे बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट नेचर है तो डेबिट करेंगे। ये लो कमीशन को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि कमीशन की वजह से कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ेगी तो जिस वजह से बढ़ेगी उस वजह को लिखेंगे, कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है इसलिए हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। अच्छा सर, अच्छा आगे चलो ठीक है। सैलरी पेड 600 रुपए, बेटे अब ये बार बार मत कहना सैलरी पेड, जो देना दे दो बेटे, सैलरी टू कैश। अब कौन सा बच्चा बताएगा कि मैंने सैलरी को डेबिट क्यों किया और कैश को क्रेडिट क्यों किया। एक बच्चे ने बताना शुरू कर दिया, वो बड़ा अच्छा बच्चा था, वो कहता है कैश सर एसेट्स हैं, सर आप कैश दोगे, एक्चुअली में तो सर सैलरी का मतलब आप कैश ही दे रहे हो,
तो कैश का बैलेंस कम होगा, कैश का बैलेंस कम होगा तो बेटा सर एसेट का डेबिट नेचर होता है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। और उसने जुगाड़ करके बोला क्योंकि सर कैश को क्रेडिट करेंगे ना इसलिए ना दूसरे पार्ट में ना दूसरा पार्ट ना ऑटोमेटिकली डेबिट होगा। लेकिन मैंने उसका कान खींचा, मैंने कहा नहीं लॉजिक बता सैलरी को डेबिट क्यों किया। उसने फिर बताना शुरू किया क्योंकि सर सैलरी जब हमने दी इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, इससे कैपिटल का बैलेंस कम होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है और जब एसेट कैपिटल का बैलेंस कम होगा तो हम कैपिटल को कम करेंगे क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है तो हमें कैपिटल को कम करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। लेकिन हम कैपिटल का नाम यूज नहीं करेंगे, हम उसकी वजह उसकी जगह उसकी वजह लिखेंगे, तू ही मेरी वजह है। गाना आता ना बेटे सैलरी का नाम लिखेंगे सैलरी टू कैश। मैंने उस बच्चे को शाबाशी दी, मैंने कहा मजे आ गए बेटे मजे आ गए, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आइए आइए बेटे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया हूँ, नेक्स्ट एंट्री मुझे पास करनी है और मैं चल पड़ा हूँ कहाँ। बेटे बेटे आराम से आ जाओ पेज टू नीतू। बेटे नीतू से फरवरी 2 में सामान खरीदा था, उस बेचारी का हाल देखो क्या हो रहा हो, रातों को नींद नहीं आ रही होगी। आपने कहा था फरवरी 2 में कि हम 13,000 का तेरे से सामान उधार ले रहे हैं, आपने पैसे ही नहीं दिए अभी तक। उल्टा आपने 21 फरवरी को उसको 3200 का सामान उसके हाथ मार दिया, हद कर दिया। इसका मतलब आपको अभी भी कितने पैसे देने हैं उसको, किसको, नीतू को 9,800 रुपए। कैसे आए 13,000 का गुड्स था, 3200 खरीदेगा, 3200 की गुड्स वापिस कर दी तो 9,800। लेकिन आपने अभी भी शर्म नहीं दिखाई, 7,000 रुपए नीतू के हाथ में दिए। इसका मतलब अभी भी नीतू क्रेडिटर में शो होगी, हाय राम। तो बेटे बताओ नीतू को हमने 7,000 रुपए दिए, आपको क्या लगता है क्या एंट्री होनी चाहिए। नीतू आ ना नीतू, नीतू तू कहाँ है, क्यों रो रही है नीतू। पेड टू नीतू 7,000 कैपिटल लाइबिलिटीज एसेट कैश। बेटा दो अक्षर कौन से इंपॉर्टेंट है, एक कैश और एक नीतू। कैश एसेट है, कैश कम हो रहा है, कम करेंगे क्रेडिट करेंगे क्रेडिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। आइए आइए कैश तू क्रेडिट हो जा, नीतू तू हमारी लाइबिलिटी में आ रही थी, नीतू आज हम तुझे पैसे दे रहे हैं तो हमारा कर्ज कम होगा। और जब कर्ज कम होगा बेटे, जब कर्ज कम होगा तो मेरी लायबिलिटी कम होगी और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस नेचर होता है इसलिए मैं लायबिलिटी नीतू को डेबिट करूंगा। ठीक है बेटे आओ हम लिखें, नीतू को डेबिट करेंगे डेबिट करेंगे डेबिट करेंगे डेबिट करेंगे। आओ बेटा लिखो नीतू, ए नीतू, नीतू सिंह अकाउंट डेबिट। बेटे मेरे पास एक लाइन की जगह नहीं होती है, ऐसे तो आपको एक ही लाइन में लिखना है, नीतू सिंह अकाउंट डेबिट टू 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 कैश 7,000 रुपए दे दो ना नीतू को, दे दो ना बीइंग व्हाट्सएप कैश पे शॉर्ट फॉर्म टू नीतू ब्रैकेट क्लोज द एंड। बेटा लास्ट एंट्री रह गई है, पहले इसको लिख लो। बेटे फरवरी 27 की थी, मैं तारीख भी लिख रहा हूं साथ साथ। बेटे लास्ट आपने जनरल एक्सपेंसेस, बेटे झाड़ू मंगवाया साबुन मंगवाया आपने उसके लिए पैसे दिए, उसके लिए पैसे दिए 1,800 रुपए आपने उसके लिए दिए, पेड जनरल एक्सपेंसेस 1,800 रुपए बेटे और स्टेशनरी 200 रुपए, आप देख लो 1,800 रुपए और स्टेशनरी 200 रुपए। आइए बेटे मैं ये कहता हूं जब हम जनरल एक्सपेंसेस देते हैं और स्टेशनरी 200 रुपए
तो बताइए जी ये तो खर्चे हैं, कैश जा रहा है एक्चुअली, वो तो कैश दे रहे हैं, कैश जा रहा है, कैपिटल कम होगी क्योंकि कोई एसेट बनेगा नहीं, हम कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को डेबिट करेंगे लेकिन हम कैपिटल का नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह एक्सपेंसेस और स्टेशनरी लिखेंगे। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक साथ भी कर सकते हैं बेटे, जैसे 10 10 इकट्ठे किए तो एक साथ कर सकते हैं, क्या हो गया उसमें, टू कैश, तो बेटे जनरल एक्सपेंसेस है वो कितने दिए 1800, स्टेशनरी कितनी थी 200, 2000, लिखो जी बीन कैश पेड फॉर जनरल एक्सपेंसेस एंड स्टेशनरी ब्रैकेट क्लोज और द एंड। बेटे मैंने आपके साथ समय लगाया, नो डाउट, एक क्वेश्चन किया हमने एक घंटा लगा दिया, लेकिन यकीन मानिए मुझे इतनी तसल्ली हुई है कि आपको मैंने एक एक बात की गहराइयों तक उतारा है और उस पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। आप क्यों जल्दबाजी मार रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप क्यों नहीं मेरे साथ साथ चल रहे, जब मैं टाइम लगाने को तैयार हूं तो आप अपने चक्कर में फायदे पता नहीं क्या है, बिल्कुल फोन को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक क्लास चल रही, कसम होगी आज के बाद सीधा बैठेंगे और फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, जब देखो व्हाट्सएप पे लग जाते हो फोन देखते हो फिर क्या तो समझ नहीं आया थप्पड़ मारूंगा खींच के। बेटे आप ही का तो फायदा है इसमें यार, मेरा क्या फायदा यार ये बताओ, मुझे तो जो बनना था मैं बन गया, अब होमवर्क लिखो नेक्स्ट क्लास में, आप क्वेश्चन नंबर 4 बेटा तीसरा तो खत्म कर दिया, क्वेश्चन 4 जरूर ट्राई करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं तभी आएंगे, फायदा कुछ नहीं है ऐसे क्लास अटेंड करने का अगर आप घर में खुद कुछ नहीं कर रहे तो, आपको पहले खुद कर्म करना है फिर गलतियां